एवरीवन, आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विद एसएनवाई में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रेमवती यादव, आज हम लोग लैक केनाइनम के बारे में बात करने वाले हैं। लैक केनाइनम क्या है? ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है जो लोग मिल्क को किसी भी फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, मिल्क लेने से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं, या मिल्क पीना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, या मिल्क पीते ही वोमिटिंग हो जाती है, या फिर बड़े लोग हैं जिनको मिल्क टॉलरेट नहीं होता है, उनके लिए हम लैक केनाइनम का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, तो ये स्पेशली फीमेल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें सिम्टम्स का अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। मीन्स क्या हो गया? अगर कोई पर्सन कंप्लेन कर रहा है कि उसके लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, उसके कुछ समय बाद वो बता रहा है कि उसके राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, मीन्स क्या हो गया? अल्टरनेट हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर की तरफ अगर पेन जा रहा है, मतलब बाएं तरफ से दाएं तरफ में शिफ्ट हो गया, मतलब शिफ्टिंग नेचर भी बोल सकते हैं, या तो अल्टरेशन नेचर का अगर पेन हो रहा है तो भी हम लैक केनाइनम के बारे में सोच सकते हैं। लैक केनाइनम जो है स्पेशली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। लेफ्ट साइडेड मतलब क्या हो गया कि इसका बहुत ज्यादा एक्शन हमें बॉडी के लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। जैसे हमारा अगर थ्रोट भी है तो थ्रोट के भी जो कंप्लेन होंगे वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होंगे, एंड राइट में अगर सेटल हो रहे हैं तब भी आप लैक केनाइनम के बारे में सोच सकते हैं। और यही अगर ब्रेस्ट के सिम्टम्स है, अगर ब्रेस्ट में सोरनेस पेनफुल लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है तब भी आप लैक केनाइनम के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी पर्सन में रूमेटिज्म के कंप्लेंट्स हैं, अगर जोड़ों में दर्द देखने को मिल रहा है, जॉइंट्स पेनफुल है, तो वो लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, राइट में अगर शिफ्ट हो रहा है तो भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। अगर किसी पर्सन में मेंसेस से पहले और मेंसेस के समय ब्रेस्ट जो है बहुत ज्यादा सोर हो जाए, पेनफुल हो जाए, और मेंसेस जैसे स्टार्ट हो, ब्रेस्ट नॉर्मल हो जाए, पेन उसका ठीक हो जाए, तो भी आप लैक केनाइनम के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर हम इसके कोई वुमेन है, उसमें नर्सिंग वुमेन है, मतलब क्या, फीडिंग कराती है बच्चे को, लेकिन बिना किसी कारण के मिल्क का सप्रेशन हो जाए, मतलब मिल्क जो बच्चे को पिला रही थी मिल्क आना बंद हो जाए, उस कंडीशन में भी आप लैक केनाइनम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है। ग्लोब्यूल्स फॉर्म में आप मेडिसिन बनवा लीजिए और उसको 3 ग्लोब्यूल्स सुबह, 3 ग्लोब्यूल्स आफ्टरनून में, 3 ग्लोब्यूल्स नाइट में लीजिए। 3 बार लेना है, 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो आप देखेंगे कि वुमेन को फिर से मिल्क का प्रोडक्शन होने लगा है। और अगर किसी वुमेन में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और उसको बच्चे को नहीं दूध पिलाना है, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी 30 पोटेंसी में यूज करना है, 3 पिल्स का यूज करना है, 3 गोली सुबह, 3 गोली दोपहर, 3 गोली शाम में, ऐसा आपको लगभग 1 महीने तक करना है। आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, तो ये मेंसेस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेंसेस जो होता है इसका अर्ली मेंसेस देखने को मिलता है, मतलब टाइम से पहले मेंसेस आ जाए। प्रोफ्यूज हो, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो। सडन गश आउट, मतलब क्या हुआ, एकदम सडन, जैसे यूरिन बहुत तेज से लगी होती तो कैसे बहुत जल्दी से निकल जाता, फ्लो एकदम सडन देखने को मिल रहा हो। ब्राइट रेड कलर का अगर ब्लड हो और पेन देखने को मिल रहा हो, भी पेन किस साइड हो, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन देखने को मिल रहा हो, बॉडी के लेफ्ट साइड में अगर पेन देखने को मिल रहा हो, और जैसे फ्लो होना शुरू हुआ हो तो पेन जो है सबसाइड हो जाए, तब भी आप लैक केनाइनम के बारे में सोच सकते हैं। 30 पोटेंसी में आपका यूज करना है। यहाँ पे भी 3 बार 3-3 पिल्स का यूज करना है, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, तो ये हेडेक के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली फ्रंटल हेडेक। अगर किसी पर्सन में फ्रंटल हेडेक देखने को मिल रहा हो और हेडेक जो है ना शिफ्ट हो रहा हो, कभी इस साइड हो तो कभी इस साइड हो, या तो फिर कभी इस साइड हो, और या लेफ्ट साइड में अगर हेडेक देखने को मिल रहा हो, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। हेडेक जो है इवनिंग के समय में बढ़ जा रहा हो, या फिर जब पर्सन आई मूव करता है, जैसे ऊपर की तरफ देखा, नीचे की तरफ देखा, इससे भी अगर हेडेक बढ़ रहा हो, तब भी आप लैक केनाइनम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। 20 बूंद दवा की आधे कप पानी में लेना है आपको, दिन में 2 बार, ऐसा आपको 15 से 20 दिन तक करना, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।